ये जो भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है, ये है खजुराहो का सबसे बड़ा और ऊंचा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर एक तरफ है कंदरिया महादेव मंदिर, दूसरी तरफ है माँ जगदम्बा मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर समूह का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भारतीय वास्तुकला तथा मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 1025 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के राजा विद्याधर द्वारा करवाया गया था। मंदिर की ऊंचाई लगभग 31 मीटर 102 फीट है, जो इसकी भव्यता को दर्शाती है। इसमें मुख्य गर्भगृह, मंडप, अर्धमंडप और प्रदक्षिण पथ शामिल है। मंदिर की संरचना नगर शैली में बनाई गई है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कंदरिया का अर्थ गुफा या गुफा जैसा होता है, जो भगवान शिव के गुफा निवासी रूप का प्रतीक है। मंदिर की बाहरी और भीतरी दीवारों पर 800 से अधिक मूर्तियां हैं, जिनमें देवी देवताओं, अप्सराओं, नित्यरत महिलाओं, मिथुन जोड़ों और दैनिक जीवन के दृश्य उकेरे गए हैं। नक्काशी में मानव और दिव्य आकृतियों का सुंदर और सजीव चित्रण है। कंदरिया महादेव मंदिर को खजुराहो मंदिर समूह का मुख्य आकर्षण माना जाता है। यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह मंदिर भगवान शिव की आराधना के साथ साथ भारतीय कला, संस्कृति और स्थापत्य की प्राचीन परंपरा का प्रतीक है। देवी जगदम्बी मंदिर, यह मंदिर चंदेल वंश के शासनकाल में 10वीं से लेकर 11वीं सदी के दौरान बनाया गया था और भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर खजुराहो के पश्चिमी समूह के मंदिर में स्थित है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर देवी देवताओं, अप्सराओं, मिथुन मूर्तियां और अन्य धार्मिक प्रतीकों की अद्भुत नक्काशी है। यह की मूर्तियां में से स्त्री की सुंदरता और उनकी भाव भंगिमा को बड़ी कुशलता से उकेरा गया है। मंदिर की संरचना में विशेष रूप से ऊपरी गुंबज और सजावट देखने योग्य है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। देवी जगदम्बी मंदिर खजुराहो के उन मंदिरों में से है जो भारतीय संस्कृति और कला की महानता को प्रदर्शित करते हैं। Thank you.
मंदिर का नाम देवी जगदम्बी पर आधारित है, जो देवी दुर्गा का एक रूप मानी जाती है। हालांकि प्रारंभिक शोध से पता चलता है कि यह मंदिर पहले भगवान विष्णु को समर्पित था। चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित खजुराहो मंदिर समूह का एक प्रमुख मंदिर है। यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है और अपनी अनूठी वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। चित्रगुप्त मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है। यह खजुराहो का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो सूर्यदेव की पूजा के लिए बनाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में सूर्यदेव की 5 फीट ऊंची मूर्ति है। यह मंदिर 11वीं सदियों के दौरान चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था। दीवारों पर देवी देवताओं, अप्सराओं, मिथुन मूर्तियों और दैनिक जीवन के दृश्यों को सुंदर नक्काशी की गई है। यह महत्वपूर्ण नक्काशी में युद्ध का दृश्य भी उकेरा गया है, जिसमें चंदेल राजाओं की वीरता को दर्शाया गया है। मंदिर नगर शैली में निर्मित है और इसमें मंडप, गर्भगृह, अर्धमंडप और सुंदर शिखर शामिल है। यह मंदिर सूर्यदेव की आराधना के लिए प्रसिद्ध है, जो ऊर्जा और जीवन के स्रोत माने जाते हैं। मंदिर में मौजूद मूर्तियां भारतीय समाज के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का सजीव चित्रण करती है। चित्रगुप्त मंदिर की मूर्तियों में जो जीवन्नता और कलात्मकता है, वह इसे खजुराहो के अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। यह मंदिर खजुराहो के विश्व धरोहर स्थलों का हिस्सा है और भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक और कला के अध्ययन से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अभी हम जा रहे हैं 64 जोगिनी मंदिर देखने के लिए। ये बड़ा सा एक तालाब है और ये है पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स। इसी के साथ से एक रास्ता गई है, सीधा जाना है यहाँ से। ये जो 64 जोगिनी पूरा खंडहर में तब्दील हो गया। 64 जोगिनी मंदिर को खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यह मंदिर शुरुआती चंदेल काल के मंदिर के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण संभवतः 9वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि चंदेल कालीन किसी भी शिलालेख में इस मंदिर का उल्लेख नहीं है। यह मंदिर शिव सागर झील के दक्षिण पश्चिम में ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर के मूल रूप से 67 कक्ष थे, जिनमें से अब केवल 35 ही शेष बचे हैं। यह मंदिर पूरी तरह से स्थानीय ग्रेनाइट पत्थर से बना है। यह मंदिर भारत में पाए जाने वाले ज़्यादातर योगिनी मंदिर से अनोखा है। भारत में पाए जाने वाला जोगिनी मंदिर अधिकतर गोलाकार है, लेकिन यह मंदिर आयताकार है। इस मंदिर का संभवतः भारत का सबसे पुराना जोगिनी मंदिर माना जाता है। ब्राह्मणी, महिषासुर मर्दिनी और माहेश्वरी की 3 बलुआ पत्थर की मूर्तियां यहां से प्राप्त हुई थी, जो कि अब खजुराहो संग्रहालय में प्रदर्शित है।
ये है चौसठ जोगनी मंदिर, जो कि खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है, और ये मंदिर बना था ग्रेनाइट शिला से। चावल का बनता है, मेथी की भाजी, मिक्स दाल, रोस्टेड बैंगन का भरता, आलू पालक एंड कड़ी पकौड़ी, मेड फॉर युगर्ट नॉट महेरी। दिस इज महेरी बुंदेली लैंग्वेज, यू कैन से कर्ड राइस, इजी लैंग्वेज, एंड दिस इज थड़ूला ऑल्सो, एंड दिस इज गगड़िया, जैसे दादी नानी हाथ की बनाती थी और कोयले में चूल्हे में बना जाती थी, दैट्स व्हाई। एंड दिस इज बिरला पूरी, अच्छा यू कैन से मिस्सी पूरी, ओके इजी लैंग्वेज, ओके। एंड अनारबन मिस्सी रोटी ऑल्सो, बिरला की रोटी ऑल्सो कमिंग, वाओ दिस इज आमले का, या दिस इज कमिंग, अब दिस ऑल परफेक्ट इज द, अब ये जो फोटो है इसको आप छोड़ो, आप ये फर्स्ट स्टार्ट खड़ूला, लिसन खड़ूला एंड बैगन का भरता, ओके यू फर्स्ट स्टार्ट, एंड एंड दिस इज अ जैगरी लड्डू, गुड़ का लड्डू, तो यहाँ पे गुड़ का लड्डू होता है मेवे, आप देख रहे होंगे ये है बुंदेली थाली, जो कि खजुराहो का बहुत ही फेमस है, और ये जो रेस्टोरेंट जहाँ परोसा गया है लाला जी का रेस्टोरेंट, कल भी हम रात को खाए थे यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, तो इन्होंने ऑर्डर किया है बुंदेली थाली, देखने भी अच्छा है और खाने में भी उतना ही अच्छा ही होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ से आए? We are from Punjab, Chandigarh. पंजाब में तो इससे भी अच्छा खाना, but this is different. ये अलग है, हर एक जगह का उधर का अपनी खासियत है।